1957 में लाइफ मैगजीन में लिखा था, 1957 में देर वॉज आर्टिकल इन लाइफ मैगजीन दैट केरला इज द स्मॉलेस्ट एंड पुअरेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, इट वॉज रिटन इन द लाइफ मैगजीन। इतनी बुरी हालत थी कि इंदिरा गांधी ने बोला था, आई प्लेज टू सरेंडर माई राइस राशन फॉर द पीपल ऑफ द केरला, आई ऑलवेज प्लेज नॉट टू ईट और सर्व राइस अनटिल द फूड सिचुएशन देर इज नॉर्मल। 1957 जो कम्युनिस्ट सरकार आई थी उन्होंने बोला था वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग वंडरफुल। तो केरला में एक्सपेंडिचर एजुकेशन एंड हेल्थ में काफ़ी अच्छा था, तो केरला एजुकेशन बिल लेके आए थे 1957 में। सो अगर देखें द लेट 1950s मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल इन केरला वर रन बाई प्राइवेट मैनेजमेंट टीचर्स एंड टीचर्स वर रिसीविंग वेरी लो सैलरी। तो द स्कूल वर रन बाई प्राइवेट मैनेजमेंट एंड टीचर वर रिसीविंग वेरी सो लो सैलरी अलॉन्ग साइड नो जॉब सिक्योरिटी। केरला एजुकेशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1957। सो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको सपोर्ट देने लगे, इनको बोला गया एडेड स्कूल। तो अगर देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अभी इंडिया का इंडियन एवरेज से तो ज़्यादा है केरला का, एज वेल एज इज बेटर देन साउथ कोरियन चाइना या फिर ट्रावनकोर कोचिन एंड मालाबार। तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला था इंडिया ही प्रेस्ड ट्रावनकोर एज अ मॉडल नेटिव स्टेट फॉर द सक्सेसफुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1867। द मॉडल नेटिव स्टेट फॉर सक्सेसफुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट 1904 द गवर्नमेंट ऑफ ट्रावनकोर हैड ऑलरेडी बिगिन टू टेक अप द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर लोअर कास्ट स्टूडेंट रेजिडेंट्स। तो देर वॉज अ प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाई द गवर्नमेंट इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। बाई 1904 द गवर्नमेंट ऑफ ट्रावनकोर हैड ऑलरेडी बिगिन टू टेक अप द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर लोअर कास्ट। लोअर कास्ट के लिए सारी कॉस्ट कौन ले रहा था? गवर्नमेंट ऑफ ट्रावनकोर प्रोवाइड कर रहा था। एंड दैट इज रोल प्लेड बाई द सिविल सोसाइटी जैसे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, काफ़ी अवेयरनेस इन्होंने स्प्रेड की श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। And the government could ensure that the lower caste, the government got a greater control over the education. Government funding provide करती थी, the government could ensure the education for the lower caste. And so lower caste had their own school and lower caste started demanding education after they got converted into Christianity. So in 1891-92, ASVA was only 2.1% of all the peoples in the government schools were constituted 60% population, only 2% were in the school. So they started protested. By the AJVAS, the education code was introduced in 1909-10 because of the protest by AJVAS. They contributed 60% of the population of the state and successful implementation of land reform. So landless लोग नहीं है, तो यहाँ पे system अच्छा है, यहाँ पे बहुत कम landless हैं अगर देखा जाए तो। So according to some research reports, we believe Kerala has morally superior choice in putting infant survival, nutrition, education and public service ahead of consumerism and private gain for entrepreneurship. So they have morally superior choice in putting forward survival, nutrition, education, public services ahead of consumerism and private gain for entrepreneurs. Again, their problem in Kerala mein unemployment ke 94% population is unemployed. Again, India ke 5% population. So source of agar dekhe Kerala development report 1987-88, 90% population unemployed. तो रीज़न क्या है? द रिजिडिटी ऑफ स्टेट लेबर लॉज एंड रेगुलेशन। कम्युनिस्ट स्टेट है तो देयर इज रिजिडिटी ऑफ लेबर लॉज एंड रेगुलेशन। यहाँ पे एक होती है नौकुकुल की प्रैक्टिस होती है, नौकुकुली की प्रैक्टिस होती है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज सो लो बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डिक्लाइन इन द टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट लेबर इंटेंसिव ऑक्यूपेशन। देयर इज डिक्लाइन इन द टेक्नोलॉजी stagnant labor intensive occupation and inability of the state to attract new investment. देखिए कोची इज वन डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट में कोची काफ़ी नीचे आता है। तो अगर देखें तो कोची में जहाँ पे एक 200 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं अगर आपको परमिट अप्रूवल चाहिए बिल्डिंग परमिट अप्रूवल चाहिए टेक्स 200 days इन हैदराबाद ओनली 80 days में काम हो जाता है 70 to 80 days। अमाउंट ऑफ FDI अप्रूव इन केरला इज वन ऑफ द लोएस्ट। माइग्रेंट अगर देखें बाय ऑक्यूपेशन केरला से सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, यहाँ पे 42% ऑफ पॉपुलेशन वर्क कर रही है केरला की इन फॉरेन कंट्री। तो जो एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंड किया था उसे फ़ायदा मिल रहा है कि 42% अगर 2018 सेंसस ऑफ इंडिया पीरियडिक लेबर फोर्स 2017 40% ऑफ केरला वर्क फोर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। Moreover, receipts of the remittance enable the household to save and to invest more on the asset land buildings to form human capital, thus increase share of spending on education and health. So, agriculture labor, one of the important factors is agriculture occupation.
तो अगर इंडियन एवरेज देखें उसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है एवरेज डेली वेज ऑफ द एग्रीकल्चर डेली वेज ऑफ द फार्मर इन केरला. सो हायर वेज इज ड्राइविंग लेबर माइग्रेशन टू केरला. तो दूसरी स्टेट से भी जो फार्मर्स है केरला में जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे डबल इंडियन एवरेज के डबल वेजेस मिलते हैं केरला में. तो रीजन फॉर हाई एग्रीकल्चर वेजेस लेबर शॉर्टेज है एज मेनी ऑफ द माइग्रेंट टू गल्फ. 40% पॉपुलेशन गल्फ पे काम कर रही है. सिग्निफिकेंट का फार्मिंग होती है यहाँ पे क्रैप्स क्रॉप की जैसे कोकोनट एंड रबर. 43% इंडिया की एंड 30% ऑफ रबर हमारा केरला से आता है. तो कैश क्रॉप काफ़ी ज़्यादा होती है. एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन केरला 2018-19 35% सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में अनएम्प्लॉयमेंट और नागालैंड एंड केरला. रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इट्स ऑल्सो एडिंग टू द प्रॉब्लम. और पॉपुलेशन देखिए पास 60 ईयर्स में तो इंडिया में 8% पॉपुलेशन. केरला इकोनॉमिक रिव्यू एंड केरला इंडिया में 8% एंड केरला में 13%. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी हाई इन केरला. सो आफ्टर हरेसमेंट इन केरला किटैक्स ग्रुप गेट्स इन्विटेशन फ्रॉम द तेलंगाना. तो यहाँ पे हैदराबाद में चले गए. हैदराबाद में बहुत कम टाइम लगता है. तो यह है किटैक्स ग्रुप वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल कंपनी. कहाँ पे थे इराबुलम केरला में. एम जे जेकॉब ने फाइंड किया था 1968 में. तो अन्ना किटैक्स ग्रुप दे गेट इन्विटेशन फ्रॉम तेलंगाना. हरेसमेंट हुआ इनका इन्होंने छोड़ दिया केरला को. किटैक्स ग्रुप सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी. सर किटैक्स ग्रुप फॉर्म इन 1968.